आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। वाराणसी में खत्री हितकारिणी महिला सभा द्वारा भीरूपुर स्थित उदय मंडल में माता की चौकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खत्री हितकारिणी महिला सभा की नव निर्वाचित अध्यक्ष रजनी टंडन ने बताया कि महिला शाखा के नए सत्र का प्रारंभ माता की चौकी कार्यक्रम से किया गया, जिससे संपूर्ण सत्र में माँ के आशीर्वाद से यह सुचारू रूप से संचालित हो। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करती खत्री हितकारिणी महिला सभा की नव निर्वाचित अध्यक्ष रजनी टंडन जी। और मैं 2 साल प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, लेकिन मुझे को दोबारा से रिपीट कराया गया है। रजनी जी, आज किस तरह का माँ के चौकी का आयोजन किया गया है? मैंने माँ की आशीर्वाद से ये फिर से शुरुआत की है 2 साल के नए सत्र की, और मेरा उद्देश्य है कि आने वाली जो पीढ़ी है आजकल की, उसको भी भक्ति की कुछ चीज़ें पता चलें, कि वो भी ईश्वर के ऊपर आस्था बढ़े उनकी इस वजह से, और माता का आशीर्वाद लेने के लिए कि 2 साल में अच्छे से कार्य को निभा सकूं, अपनी प्रेसिडेंटशिप में अच्छा कार्य कर सकूं, इसलिए उनका आशीर्वाद चाहिए। मिथिला समाज काशी द्वारा भेलूपुर क्षेत्र स्थित डालमिया हाउस में मिथिला मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष श्री LN झा ने बताया कि मिथिला समाज के लोग पूरे भारत एवं विश्व में अपनी मेधा, संस्कृति और भाषा के कारण अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। मिथिला मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते कलाकार। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी देते मिथिला समाज काशी के अध्यक्ष श्री LN झा। झा जी, आज किस तरह कार्यक्रम आयोजन किया गया है? आज हम लोग का वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें सारे मिथिला के जो लोग बनारस में रह रहे हैं उनका मिलन समारोह होता है। हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। क्या उद्देश्य है इस तरह कार्यक्रम का आयोजन करने का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य रूप से जो दूर दूर से मिथिला नगर के आदमी यहाँ आ रहे हैं बनारस में, आपस में मिलकर करके एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बटाना, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना, ये सारी बातें हम लोग आपस में तय करते हैं, बात करते हैं। वाराणसी के दारा नगर स्थित स्वर्णकार समाज धर्मशाला में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के तत्वाधान में पूर्वांचल प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर थे। राज मंदिर के पार्षद अजीत सिंह के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्य मंत्री नटवर गोयल, पूर्व विधायक अजय राय, महापौर प्रत्याशी शालिनी यादव, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष MK राजपूत और स्वर्णकार समाज के संरक्षक मोतीलाल सेठ थे। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करते फिल्म अभिनेता व सांसद राज बब्बर जी। वाले कल में इससे देश के अंदर सिविल वार, एक तरीका ठीक नहीं। अगर कोई औरंगाबाद रफीगंज प्रखंड के अंतर्गत बद्धोपुर खेल मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। इसका मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता प्रमोद सिंह एवं राजद जिला उपाध्यक्ष S सहजादा शाही रहे। फुटबॉल टूर्नामेंट रांची बनाम चांद बीघा के बीच खेला गया, जिसमें रांची की टीम ने एक गोल से जीत हासिल की। इस खेल में रफीगंज थाना प्रभारी संजय कुमार सिन्हा, मुखिया अंसारी, टीना विश्वकर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता DK यादव, आयोजन दिनेश कुमार आदि दर्शक मौजूद थे। औरंगाबाद के देव विकास परिषद की बैठक देव में सूर्य मंदिर धर्मशाला में हुआ। इस बैठक में उपस्थित सौरभ मिश्रा ने कहा कि देव में होने वाली समस्याओं को हम लोग चिन्हित करेंगे। वहां पर उपस्थित पवन पांडे ने कहा कि देवरानी तालाब की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसे देव विकास परिषद के सदस्यों को ध्यान देने की जरूरत है। इस बैठक में सौरभ मिश्रा, विक्रम कुमार चतुर्वेदी, पवन पांडे, रवि लाल, धीरज पांडे, रविकांत पाठक आदि लोग वहां उपस्थित थे। इलाहाबाद में CM योगी पहुंचे। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि गंगा हरितिमा अभियान से गंगा को नया जीवन मिलेगा। UP में गंगा किनारे सभी गांव ODF हो चुके हैं। PWD व नगर विकास विभाग तेजी से काम कर रहा है। UP में रीजनल एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत भी इलाहाबाद से हो रही है। कुंभ से पहले इलाहाबाद को वाटर रूट जल मार्ग से भी जोड़ेंगे। निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर को धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे। अब यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। शिक्षा हो बच्चों का आधार, तभी विकसित होंगे नौनिहाल। जी हाँ, ऐसी ही शिक्षा पाने के लिए आइए आदर्श पब्लिक स्कूल में, जहाँ है खेलकूद एवं योग शिक्षा, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, कक्षा 1 से कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क, गरीब छात्र छात्राओं के लिए विशेष छूट, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण की व्यवस्था, सामान्य ज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं कला की विशेष सुविधाएं, ऑडियो वीडियो एवं खिलौनों से बच्चों की शिक्षा, प्रत्येक कक्षा में CCTV कैमरे की व्यवस्था, मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, प्रत्येक वर्ष जवाहर नवोदय व CHS की प्रवेश परीक्षा
परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का चयन भी। तो भूलिए मत भटपुरवा खुर्द पलही पट्टी वाराणसी में आदर्श पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पवई में स्थित यूनियन बैंक के सामने गली के अंदर श्रीराम बनाम जगन्नाथ का मुकदमा दीवानी आजमगढ़ से चल रहा है, जो कि जगन्नाथ ने 1946 में फर्जी तरीके से पंचनामा रजिस्ट्री कराया था। मौके पर पहुंचे लेखपाल विपक्ष जगन्नाथ की बात मानकर गलत तरीके से पैमाइश कर कब्जा कर रहे हैं, जिसमें पवई थाना SI लक्ष्मण और अन्य दो पुलिस वाले अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। आरोप है कि पुलिस दीवानी आजमगढ़ में मुकदमा रहने के बाद भी जबरन पवई थाना पुलिस प्रशासन अवैध तरीके से जगन्नाथ को कब्जा दिला रही है। पीड़ित की कोई भी बात प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। कुशवाहा जागृति मंच के तत्वाधान में जिला फिरोजाबाद के ग्राम सिरवई में सर्व समाज वृद्धजन सम्मान समारोह हुआ, जिसमें क्षेत्र के वृद्धजनों का सम्मान काफी धूमधाम से किया गया। इसमें मुख्य अतिथि माननीय गुलाब सिंह कुशवाहा, मीडिया प्रभारी गौतम सिंह कुशवाहा, युवा जिला अध्यक्ष झांसी, जन अधिकार पार्टी लाखन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। गया बिहार में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री सत्येंद्र नारायण सिंह ने की, जिसमें भारत के प्रत्येक राज्य के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। वहीं पश्चिम बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर DK साव, जिला अध्यक्ष अमित कुमार सिंह और अंडाल ब्लॉक प्रमोटर जीतू हेला उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर DK साव ने कहा कि प्रत्येक मानव को अपने अधिकार और अपने हक के लिए जागरूक होना आवश्यक है। सोनभद्र ओबरा के अम्बेडकर चौराहे पर चकाड़ी गाँव में पुल निर्माण एवं सी परियोजना को लेकर 111 आदिवासियों ने किया भूख हड़ताल व अनशन। आदिवासी ग्रामीण लोगों ने ओबरा रेणुका नदी से निकाला जुलूस। पुल निर्माण नहीं होता है तो ग्रामीण आदिवासी करेंगे उग्र आंदोलन। इस मौके पर इटिक के अध्यक्ष हरदेव नारायण तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह यादव, छात्र नेता अमरेश यादव, मजदूर नेता RP तिवारी मौजूद रहे। ओबरा थाना अध्यक्ष अभय कुमार सिंह व पुलिस प्रशासन भी रहे मौजूद। लखनऊ में सनराइज पब्लिक स्कूल मदनखेड़ा राजाजीपुरम में विदाई समारोह व वार्षिक प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य से मीडिया ने बात की। समारोह होता है हर साल, हम लोग करते हैं इसको, और इसमें हम लोगों के जो बच्चे हैं वो कोई प्रोफेशनल सीखे हुए नहीं होते, हमारे टीचर ही उनके साथ अपना टैलेंट दिखा के उसको आगे बढ़ाते हैं। गोंडा थाना खुडारे बाजार में UP ग्रामीण बैंक व्यवस्था खराब है। व्यवस्था खराब होने के कारण लोगों में विशेषतः परेशानी कैश निकालने में होती है। यहाँ सुरक्षा कर्मी भी अपनी मनमानी ड्यूटी करते हैं। आइए देखते हैं। आज खबरों का सिलसिला यहीं थमता है, लेकिन आगे खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद। फास्ट न्यूज इंडिया के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।